आपको पता है लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि बॉलीवुड में शाहरुख खान के बाद कोई भी सुपरस्टार नहीं बन पाया, वो आखिरी हैं, उनके बाद कोई भी नहीं होगा। क्योंकि एक तरफ जहां लोग अपनी 10 फिल्में एक साल में रिलीज करने के बाद भी पब्लिक को थिएटर नहीं बुला पाते, ये बंदा सिर्फ एक छोटे से ऐड के दम पर पूरे सोशल मीडिया को हिलाने का पावर रखता है। अलग ही लेवल का स्टारडम चल रहा है यहाँ पे, और ये पहली बार नहीं है। पता है, इससे पहले जब थम्स अप का ऐड किया था शाहरुख खान ने, तो समझ लीजिए वो लोग जो टीवी पे शाहरुख खान का ऐड देखते ही रिमोट को उठा के फटाक से हटा दिया करते थे, वो यूट्यूब पे जाके इस ऐड को अब बार बार देख लेते और पठान के लिए बिल्कुल तैयार कर रहे थे खुद को। मतलब एक टीवी ऐड को देखने के लिए आजकल की जनरेशन को मजबूर कर देना, भाई इसको बोलते हैं शाहरुख खान पावर। और अगर इतना काफी नहीं था आपके लिए, तो ये फिर से वापस लौट रहे हैं एक नई क्लिप के साथ। इस बार मामला सिर्फ प्रोफेशनल नहीं, पर्सनल भी है। आर्यन खान का बिल्कुल चुपचाप तरीके से एकदम आराम से बिना किसी शोर के फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री हो गई है। एक्टर का बेटा एक्टर बनेगा ऐसा जरूरी थोड़ी भाई। आर्यन खान ने दोनों किया है, एक्टर प्लस डायरेक्शन। और सोचिए इनका पहला हीरो कौन निकला, पापा शाहरुख खान, जिनके साथ मिलकर आर्यन ने एक क्लोइंग ब्रांड को लॉन्च कर दिया है, जिसका प्रमोशन ये लोग बहुत पहले से कर रहे थे। क्लिप की शुरुआत में आर्यन खान की एंट्री के साथ होती है, लेकिन खत्म इसको खुद शाहरुख खान करते हैं अपनी अलग स्टाइल में। अब देखो, कहने के लिए ये सिर्फ एक छोटा सा ऐड था, लेकिन आर्यन खान को जज करने की शुरुआत हो चुकी है। इससे पहले सिर्फ पर्सनल रीजन की वजह से बंदे को लैंडलाइट में रखा जाता था, लेकिन फर्स्ट टाइम लोग इनकी क्रिएटिविटी और टैलेंट को जज कर रहे हैं। वैसे तो मोस्टली सबके पास सिर्फ तारीफें ही करने के लिए, हर कोई इस ऐड को जिस स्टाइल के साथ डायरेक्ट किया गया उसके लिए लोग तालियां बजा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जरूर हैं जिन्होंने सवाल उठा लिया है। नेपोटिज्म, ये तो हर किसी के लिए बराबर है, तो चाहे पीछे शाहरुख खान ही क्यों ना खड़े हो, तो भैया जैसे ऋतिक रोशन है या फिर रणबीर कपूर और शाहिद कपूर, ये लोग भी नेपोटिज्म के प्रोडक्ट हैं, लेकिन हमेशा इनको इनके टैलेंट की वजह से पहचानते हैं। तो बस आर्यन को भी इसी रास्ते पे चलना पड़ेगा। अब इस एड से एक्टिंग स्किल्स का ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन फिल्म मेकिंग में ये बंदा कुछ कमाल कर सकता है डेफिनेटली। भाई बॉलीवुड में कुछ डायरेक्टर घबरा रहे होंगे। वैसे भी थोड़ी टाइम पहले सुहाना खान को भी रिवील किया गया था एक फेमस ब्रांड का एम्बेसडर बना के, वहाँ भी लोगों का रिस्पॉन्स थोड़ा मिक्स टाइप का था। ज्यादातर तो लोग सवाल ही पूछ रहे थे शाहरुख खान की बेटी होने के अलावा कौन सा टैलेंट है इनके पास। तो भैया थोड़े टाइम बाद नेटफ्लिक्स पे सुहाना का एक नया प्रोजेक्ट आने वाला है, वहाँ पे टैलेंट को आराम से जज कर लीजिएगा। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया या फिर कुछ शिकायत नहीं होता, आप मुझे कमेंट भी बता सकते हैं। जो वीडियो को लाइक करेगा उसके लिए, और जो वीडियो को डिसलाइक करेगा चलो मेरे लौड़े थे। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा।